हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। निफ्टी को डिस्कस करने के बाद अब बारी है बैंक निफ्टी की। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल बेरिश मूव रह सकता है और आज अपने को एक बेरिश मूव मिला है। अगर आप इंट्राडे के लाइन चार्ट की मूवमेंट देखें तो प्राइस ऊपर की तरफ खुली है, वापस नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई और फिर वापस आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली प्राइजेस नीचे की तरफ गई है। मुझे लगता है कि इसमें भी लोअर हाइज के पैटर्न बनी है और प्राइजेस में एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, कैंडलस्टिक क्या सजेस्ट करता है, ऑप्शन चैन डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं और मैकडी और हमारी बुलिश बेरिश क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में क्या मूव अपने को दिख रहा है उसको देख लेते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे कि क्या आगे का मार्केट का मूव रह सकता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो हो गया था तो लोड होने में टाइम लग गया। चलिए, अब ये लोड हो चुका है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपने एनालिसिस को। जस्ट सेकेंड। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस अगर आप इस कैंडल पे आए तो यहाँ से शुरू करते हैं एक बार। नीचे की तरफ प्राइजेस रिजेक्ट हुई, नीचे की तरफ प्राइजेस रिजेक्ट हुई, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ खुला लेकिन प्राइजेस नीचे आना चालू हुई। फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ही अपने को, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो अपने को एक बेरिश क्रॉसओवर मिल गया था। मैकडी की तरफ देखिए दोस्तों, तो बेरिश क्रॉसओवर अपने को मिल गया था इसी लेवल पे। तो यहाँ से अपने को एक बेरिश मूव मिल सकता था लेकिन हमने वेट किया था और फिर भी, क्योंकि प्राइजेस 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी क्लोज थी तो हमने इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। मैंने बताया था, अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए तो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, मैंने एफपी पे भी पोस्ट किया था। तो जब प्रीसीडिंग कैंडल की क्लोज के नीचे प्राइस ट्रेड करना चालू करती है तो आप इसमें एक मूव ले सकते थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब इसमें क्या पोजीशन बन रही है। जस्ट अ सेकंड। तो चलिए दोस्तों, मूविंग एवरेज इसको एनालाइज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड लाइन थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है, ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ शूट कर रही है, बिल्कुल जैसे हमने निफ्टी में एनालाइज किया था। तो मुझे लगता है कि कल अपने को एक बेरिश क्रॉसओवर मिल जाना चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो रेड लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये दिखा रहा है कि अभी भी ग्रीन लाइन को, रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए थोड़ा और मूव दिखाना पड़ेगा। हालाँकि अगर आप मेरी गोल्डन रेशियो वाली एवरेज देखें, यहाँ पे आपको नीचे दो लाइन दिख रही है तो वो अभी भी एक दूसरे के काफ़ी करीब दिख रही है, लेकिन अगर आप देखें क्लोजली तो आपको दिखेगा कि येलो लाइन थोड़ी एक्सेलरेट कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखें बिल्कुल यहाँ पे आपको एक बेरिश क्रॉस ओवर मिला है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद जब आपको एक क्रॉस ओवर मिलता है, मैकडी की भी मैं बात कर रहा हूँ, तब अगर आपको एक क्रॉस ओवर मिलता है वो भी बेरिश क्रॉस ओवर, और मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये अपने मैकडी वाले वीडियोस में बताया नहीं है। यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप ट्रैक करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी मैकडी की टॉप मिलेगी। उस टॉप से प्राइजेस ऊपर गई और उसके बाद जो आपको क्रॉस ओवर मिलता है वो जनरली काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अपने को अभी जो निफ्टी में क्रॉस ओवर मिला है वो है बेरिश क्रॉस ओवर और आप देख सकते हैं कि प्राइजेस में कितना रिजेक्शन आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI भी ऊपर के लेवल पे, बिल्कुल ऊपर के लेवल पे स्टॉल हो रही है और नीचे की तरफ टिल्ट कर रही है। मैकडी हालांकि थोड़ी स्लो रहती है लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि वाइट लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है तो वो भी हल्का सा बेरिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों, ये सारे डेटा क्या सजेस्ट करते हैं और कल के लिए क्या मूव बन सकता है, ये जानने के लिए एक बार वापस से हम ऑप्शन चेन डेटा में नज़र डाल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। तो बैंक निफ्टी की रेंज है 22600 से लेके 22000, मतलब 22000 से लेके 22600, ऊपर नीचे दोनों की तरफ, दोनों तरफ 300-300 पॉइंट का मूव अपने को मिल सकता है। हालांकि कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी रहेगी तो काफ़ी सारी पोजीशन रिवर्स होगी तो कल का मूव थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है। लेकिन मैं अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करूं तो मैं बता सकता हूं कि कॉल में तो बेरिश पोजीशन ही बनी है, स्टेबल टू बेरिश पोजीशन बनी है। हालांकि इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी बेरिश पोजीशन मुझे बनती हुई दिख रही है। अगर पुट की मैं बात करूं तो पुट में मिक्स पोजीशन बनी हुई है ऊपर के लेवल पे, मतलब 22100, 22200 पे बुलिश पोजीशन बनी है और 22300 से 22600 के लेवल पे स्टेबल टू बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है। तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि ये भी एक बेरिश मूव की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में गिरावट का दिन रह सकता है तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। हालांकि एक जो रिस्क रहता है वो यही रहेगा कि जब भी प्राइसेस 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे
आती है तब एक सपोर्ट, क्योंकि 13 और 34 अभी पॉजिटिव जोन में। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो मेरा मैं ये कह रहा था कि जब भी 13 और 34 दिन में बुलिश क्रॉस ओवर होता है और प्राइसेस 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ती है, तो वहाँ से एक लास्ट मूव या तो एक नया ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जहाँ पे आपको एक बुलिशनेस दिख सकती है प्राइसेस में। क्योंकि 8 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ी स्ट्रेंजली बिहेव करती है, और जब जब प्राइसेस वहाँ पे आती है तब तब कुछ अनसर्टेन चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे यहाँ अभी हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि मार्केट में अभी बेरिश सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन 8 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, तो यहाँ से एक बुलिश मूव भी मिल सकता है। तो कल अगर मार्केट गिरता है तो अगर हम बेरिश पोजीशन बनाते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 8 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर प्राइसेस वहाँ पे आती है तो हम अपनी पोजीशन एक बार के लिए रिवर्स कर लेंगे। स्ट्राइक प्राइस वगैरह कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऑपरेट करना चाहिए और कैसे फेयर वैल्यूज़ वगैरह देखना चाहिए, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप सब्सक्राइबर मेरे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आप मुझे 9574999001 पर मैसेज कर सकते हैं। उसमें मैं क्या स्ट्रेटजीज लेता हूँ और उसके क्या रीज़न है मैं आपको वो बताता हूँ। हो सकता है कि आपके लिए वो सही ना हो, लेकिन अगर आप अपने रिस्क में मेरी स्ट्रेटजी और ट्रेड को फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बेरिश मूव बनता दिख रहा है, लेकिन ओनली वरीसम थिंग इज 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहाँ से प्राइसेस में अगर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं दिखता तो फिर मार्केट डेफिनेटली गिरना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।